हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ वंदना। और आइए आज बनाते हैं बनाते नहीं हैं, चलिए आज सजाते हैं छोटी छोटी सी मटकियाँ जो बहुत सस्ती मिलती हैं मार्केट में। और आप अगर इनको डेकोरेट की हुई खरीदेंगे तो वो बहुत महंगी मिलेंगी। ये मैंने ले लिया है वाइट एक्रेलिक कलर और थोड़ी सी वॉल पुट्टी या चॉक पाउडर जो होता है ना वो ले सकते हैं। उसके अलावा आप मैदा वगैरह भी इसमें मिक्स कर सकते हैं। तो मैंने ये क्यों मिक्स किया, ये देखिए, ये जो इसमें छेद है ना ये बिल्कुल फिल हो जाएंगे और ये बिल्कुल ईवन हो जाएगी जब हम इसको पेंट करेंगे ना, तो इसमें कहीं भी रफ पार्ट नहीं होगा इसका, ये पूरी तरह से बराबर हो जाएगी। तो मैंने एक कोट इस पे कर लिया और इनको सुखा लिया है अच्छे से। और इन पे अब आप कोई भी एक सिंगल कलर करके भी कुछ डिज़ाइन कर सकते हैं। पहले पिंक कलर कर रही हूँ और मैं हाफ हाफ में कलर कर रही हूँ, मतलब दो शेड एक मटकी पे या एक पॉट पे अप्लाई कर रही हूँ। तो देखिए इस तरह से मैंने ये कर लिया है। अब इस पे मैं येलो अप्लाई कर रही हूँ और येलो के साथ ही मैंने इसमें कॉम्बिनेशन किया है टील ब्लू कलर का। तो बस इस तरह से इसको आप डेकोरेट कीजिए। और ऊपर की तरफ मैं गोल्डन कलर जो है उससे लाइनिंग कर रही हूँ। और घर में जो भी आपके पास अवेलेबल हो मिरर्स, छोटे छोटे छोटी छोटी बीड्स वगैरह, उनसे आप इसको इजीली डेकोरेट कर सकते हैं। मेरे पास जो चीज़ें थी मैंने उन्हीं से इसको डेकोरेट किया है, मार्केट से एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिया। ये एक दुपट्टे के बीड्स जो बच गए थे वो, और साथ में ये मिरर्स जो मैंने बहुत पहले लिए थे अब काम आ रहे हैं। और फेवी बॉन्ड ले लिया है मैंने, इससे मैं इस पर चिपका रही हूँ। आप फेविकॉल का भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी इजीली ये चिपक जाती हैं, लेकिन ये जो फेवी बॉन्ड है इससे बहुत जल्दी चिपकती हैं। तो इजीली इसको हम पेस्ट कर लेंगे। और इस तरह से मैं थोड़ी थोड़ी दूर पे ये पांच पांच जो बीट्स हैं वो सितारे से हैं वो लगा रही हूँ। और ये इसको बहुत सुंदर बना देते हैं, बहुत ही प्यारा लुक देते हैं। देखिए कितनी सुंदर लगने लग गई अभी से। और ऊपर और नीचे जहाँ पे मैंने गैप छोड़ा है वहाँ पे हम मिरर्स लगा रहे हैं छोटे छोटे से। अब आप चाहे तो राउंड शेप में लगाइए या फिर डायमंड शेप में भी आते हैं मिरर्स, वो लेके भी लगा सकते हैं आप। और जब आप मार्केट में लेने जाते हैं ना तो ये 50 रुपीज़ ईच ये जो छोटी सी मटकी है उतना पड़ती है। और ये मैंने 10 रुपये की चार ली थी। और ये सामान तो मेरे पास घर पे ही अवेलेबल था क्योंकि कलर्स में तो मैं यूज़ करती रहती हूँ। तो देखिए बीच में मैंने ये ब्लैक यूज़ किया है और साथ में ये 3D कोन है मेरे पास, ये इससे मैं डॉट्स बना रही हूँ। और पता है आप ये एक बार ले लेंगे ना, और अगर आप कुछ कुछ बनाते रहते हैं तो ये बहुत लंबे टाइम तक आपका चलता है। मेरा भी बहुत पुराना हो गया, आपको इसकी हालत देख के समझ में आ रहा होगा। और दिवाली पे इस तरह की चीज़ें हम अगर अपने आप बना के यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छी लगती हैं, हमें भी खुशी होती है और जो देखते हैं उनको भी खुशी होती है। तो इस तरह से नीचे बहुत ज़्यादा मैंने इसमें कुछ नहीं किया है, नीचे ट्रायंगल बना दिए हैं और इनको बहुत प्लेन ही रखा है क्योंकि मुझे प्लेन बहुत अच्छी लग रही थी। इसमें आप वाटर कैंडल भी बना सकते हैं और इसको ये टी लाइट होल्डर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसे टी लाइट होल्डर की तरह यूज़ किया है। और अगर आपकी कैंडल अंदर जा रही है तो इसमें कुछ अंदर न्यूज़पेपर वगैरह रख के इसे आप इस तरह से फिट कर सकते हैं। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, हैप्पी दिवाली।